एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया, सब मस्त, मजे में। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भैया, आज से आपकी नैया हम पार लगाने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो भैया, बढ़िया से तुमने छुट्टियां मना ली है, अब एक भी दिन की ना तो मैं छुट्टी लूंगी ना तुम लोगे, और मिलकर अपनी फुर्ती से, एफिशिएंसी से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और मजे से पढ़ेंगे, है ना? धूम मचाकर पढ़ेंगे। जितनी तुमने दिवाली में नहीं मचाई ना, उतनी इस चैप्टर में तुम्हारे दिमाग की बजने वाली है, और वो अपन बजने नहीं देंगे, आपको पता ही नहीं लगने देंगे कि कितना स्मूथली ये चैप्टर हमारा निकल जाएगा। तो फटाफट से, फुर्ती से सभी बालक कर लें ज्वाइन, क्योंकि आज की क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाली हूं कैथोड रेस के बारे में, और यहां से लेकर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तक। तो यहां पर बहुत सारी चीजें बेटा एटम के स्ट्रक्चर से 1800 साल से शुरू हो गई थी, मतलब 1880 के अप्रोक्स हमारे ये चीजें शुरू हो चुकी थी। अब इससे आगे हमें जाना है और ये चीजें देखनी है कि क्या क्या चीजें ऐसी एक्सपेरिमेंटली इन साइंटिस्ट ने सोची, और आगे जाकर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में पता लगा। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे तभी आगे थोड़ा दिमाग लगा पाएंगे कि उनका दिमाग किस लेवल तक गया, और हमारा दिमाग इस लेवल तक उस टाइम पे होते तो जा पाता। तो ये बात सोचना जरा, तो मैं बीच बीच में बताती रहूंगी कि इतने लेवल का दिमाग ये लाए कहाँ से, कि ये ऐसे कैसे सोच लिया कि ये करेंगे तभी मुझे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, तभी प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। तो बहुत कंपटीशन था, बहुत कंपटीशन, सभी साइंटिस्ट के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन। तो इन कंपटीशन के चलते कौन सबसे पहले आया, नाम उसका होता है, तुम्हें पता है ना? तो नाम किस किस का हुआ है और कौन कौन शामिल था, उनका नाम नहीं बन पाया, ये भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करें फटाफट से, फुर्ती से, तेजी से। तो जो बच्चा पार्टी मुझे नहीं जानती, उन्हें बता दूं कि बेटा मैं हूं नवजोत कौर, आपको नीट यूजी की कैटेगरी में केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं, और यहां पर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही धूम से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं, लाइट्स कैमरा और ढेर सारे एक्शन के साथ, छोटा सा रिएक्शन। रिएक्शन ज्यादा नहीं है, ज्यादा इस चैप्टर में अभी दो लेक्चर्स में तो थ्योरी है, वो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी खोल लो, मार्क करते चलना, ठीक है? तो 1 2 3 आगमन करने वाली हूं, शुरू करने वाली हूं। सबसे पहली बात, हमारे पास ना छोटे 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 तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, है ना, एटम में। अभी हमें पता है कि मैडम होते हैं, पहले नहीं पता था। पहले ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कोई भी डिस्कवर नहीं हुए थे, हमें ये देखना है कि कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, कैसे इनके न्यूक्लियस, एटम के साइज, चार्ज, मास, इन सब का पता लगाया जाए। तो वो सब चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? इस चैप्टर से थ्योरी इंपॉर्टेंट या मैथमेटिक्स, बेटा बोथ बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। और थ्योरी अगर तुमने डिटेल में पढ़ी ना, अच्छे से समझी, मैं ये नहीं बोलूंगी थ्योरी को रटना है, अगर तुमने कहानी की तरह सुना, कि ऐसे सुनना है कि आगे जाके दूसरे को ये कहानी डिट्टो बता पाओ, है ना, तो बढ़िया तरीके से इस चैप्टर के भेद तुम्हारे खुल जाएंगे, तुम्हारे दिमाग के चक्षु यहाँ पे खुल जाएंगे। तो फटाफट से, फुर्ती से अपनी पूरी ध्यान वाली शक्ति लगा दो अभी, ठीक है? मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर ना हमारे पास महर्षि कन्नड़ आए थे, पता है ना? महर्षि कन्नड़ ने बोला था पांच तत्व होते हैं हमारे हमारे पृथ्वी के, पांच तत्व। कोई बता पाएगा कौन? कौन बता पाएगा कौन? भैया हवा,
पानी यानी जल यानी वायु यानी आग, अग्नि, है ना। तो ये सभी तत्व महर्षि कन्नड़ ने बताए। सबसे पहले हम बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजर बोल लो, फिलोसोफर बोल लो, जो मर्जी बोल लो, सबसे पहले इंडियन ने यहां पर तत्व के बारे में, पार्टिकल के बारे में बताने का पूरा प्रयत्न किया, जो कि बिल्कुल सही था। उसके बाद भैया धीरे धीरे सारे सारे साइंटिस्ट आने लगे। अब फिर आया था डाल्टन, ठीक है। अब डाल्टन ने ना बोला कि यहां पर ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो पूरी दुनिया का है वो है एटम। बताओ भैया, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, नहीं ना? तो ये बात उसकी गलत हो गई। उसके हर एक पोस्टुलेट में लिमिटेशन निकली। पर बेटा उसने कोशिश करी और उसकी कोशिश को सराहा गया, और उसी की कोशिश से आगे दूसरे साइंटिस्ट को प्रेरणा मिली कि हम भी कोशिश करेंगे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जितने भी पोस्टुलेट हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, जिससे हमें एक हिंट मिल रहा है कि भैया ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इसने ये लिखा है तो इसका प्रूफ करके देखते। और जब लोग प्रूफ करने के लिए आते थे, दूसरे साइंटिस्ट प्रूफ करने को आते थे, तो वो गलत हो जाता था, फिर एक चीज अलग देखने को मिलती थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बोला कि सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल हमारा कौन है बेटा, कौन है? एटम। पर ऐसा था नहीं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर होते हैं, ये सबसे ज्यादा छोटे हैं, है ना। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स बहुत फेल हुए। आता है भैया जे जे थॉमसन। कौन भैया? जे जे थॉमसन। और जे जे थॉमसन ने एक बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट ये करने बैठे ना, सब साइंटिस्ट जुट गए कि हम भी यही एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे पहले करके दिखाएंगे, वो जो ऑब्जर्वेशन निकालने वाला है हम उससे पहले निकाल देंगे। तो ये चीजें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे निकली वो बताती हूँ। तो जरा अपनी एनसीईआरटी खोल लो, है ना, एनसीईआरटी खोल लो, और यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला पेज छोड़कर दूसरे पेज पे आओ कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे देखा जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तेजस्वी कुमारी प्रीति, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो खोल लिया एनसीईआरटी, विश्वास कर लूं तुम पे? विश्वासघात तो नहीं कर रहे हो पक्के से? चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। बता दो भैया कि एनसीईआरटी खुल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर ना, ये हमारे जे जे थॉमसन जी जो थे ना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले करी। इनके साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए थे जो अलग अलग से परफॉर्म करके देख रहे थे कि पता लग गया कि भैया थॉमसन भाई साहब ना, थॉमसन भाई जान हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं। सब में धूम मच गई। अब ये धूम में पता लगा कि कौन कौन से अपैरेटस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब जगह से पता लगा डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। तो सब जुट गए भैया डिस्चार्ज ट्यूब लेकर। डिस्चार्ज ट्यूब आप देख सकते होगे कि ये फनल है, एक तरह से बंद ट्यूब टाइप है ना, एक ट्यूब टाइप है जो दोनों तरफ से बेटा बंद है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाया है कैथोड का, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाया है एनोड का। एनोड यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज यहाँ छोड़ दी। हाई वोल्टेज मतलब ये नहीं मैम 100 वाट का बल्ब लगाया, नहीं नहीं बेटा 1000 का नहीं बेटा, यहां पर जो वोल्टेज छोड़ी गई वो 10,000 तकरीबन के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। बहुत बढ़िया, खोलिए, बहुत अच्छे। अब यहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा थी, तो हुआ क्या कि अब ना ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है कि नहीं है। अभी उन्हें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, नहीं है, उन्हें ये पता था कि एटम छोटा पार्टिकल नहीं है।
सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एटम तो नहीं है। फिर भैया जे जे थॉम्सन ने कहा कि चलो भैया कुछ करके देखते हैं। इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत ही वेरी लो प्रेशर के अंदर यहां पर वोल्टेज पास करना शुरू किया, और वेरी लो जो प्रेशर है ना वो है 10^-3 mmHg। ये छोटी छोटी चीजें नोट करके चलना, ठीक है? कितना? 10^-3 mmHg। ये लो प्रेशर लेने का मतलब क्या था इनका, ये लो प्रेशर लेने का मतलब क्या था? तो यहां पर ना देखो, जब मैंने कैथोड और एनोड को रखा है, कैथोड एक तरह का हमारा मेटल है ना, या इलेक्ट्रोड है ना, तो यहां पर क्या होता है कि कैथोड ना, यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है। मेटल क्या करता है बेटा? लूज करने लगता है, और यहां पर ये लूज करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ने लगता है ना। तो इलेक्ट्रॉन ना इस पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ भाग के जाते हैं, इतनी जोर से यहां पर तेजी से भाग के जाते हैं, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, इसलिए हमने यहां पर प्रेशर को लो रखा कि जो भी पार्टिकल यहां से निकलेंगे ना, जब इसको हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो जो भी पार्टिकल निकलेंगे वो इसको प्रेशर उसको अपोज नहीं करना चाहिए। अब मेटल यहां बैठा है, कैथोड क्या क्या है उसके ऊपर नेगेटिव, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दूसरी ओर एनोड उसको अपनी ओर खींच लेता है, और जैसे खींचे ना तेजी से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर बढ़ते हैं, और हमें कुछ रेज, इनविजिबल रेज ऑब्जर्व होती है। अब मैडम इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया है, तो आपको ऑब्जर्व कैसे हो रही है, ऑब्जर्व कैसे हो रही है ये बताओ। तो देखो, ऑब्जर्व होने का तरीका ये है कि यहां पर ना हम पीछे लगा देते हैं फ्लोरोसेंट कोटिंग, ये दिख रही है, यहां पर हमने लगाया फ्लोरोसेंट कोटिंग, और इस एनोड को अब बना देते हैं परफोरेटेड। बेटा क्या बना देते हैं? परफोरेटेड। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिख रहे होंगे, मार्क कर लो, परफोरेटेड एनोड है। परफोरेटेड मतलब जिसमें छोटे 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 उस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में छेद है, ठीक है? अब जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस एनोड के बीच में से निकल जाएंगे, इस एनोड के बीच में से निकल जाएंगे, तो यहां पर पीछे जो हमने फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा रखी है ना, ये क्या करती है, जब फ्लोरोसेंट कोटिंग के ऊपर आके कोई चीज तेजी से टकराती है ना, तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है, वो चमकने लगता है। तो यहां पर वो चमक जो आ रही है वो किसकी आ रही है? इलेक्ट्रॉन की। ये डिस्कवर हुआ, समझ आई बात? समझ आई कि नहीं? और यहां पर हम वैक्यूम पंप से प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहां पर वैक्यूम पंप लगा के देखते हैं कि प्रेशर इतना ही मेंटेन रहना चाहिए। क्लियर सभी को? फुल टू। तो ये था बेटा कैथेड, जो हमारा कैथोड का रे वाली डिस्चार्ज ट्यूब, और कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड, जिसमें इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज देने पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उसके बीच में हमने होल्स कर रखे हैं, होल से एनोड से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और पीछे फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा रखी है ताकि हमें पता लगे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि दिख तो रहे नहीं है। तो ये जब तेजी से आके उस फ्लोरोसेंट कोटिंग पे लगते हैं ना, हमें शाइनिंग दिखने लगती है। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से जे जे थॉम्सन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, ठीक है? क्लियर कि नहीं? क्लियर सभी को? क्लियर बेटा? फुल बटा फुल क्लियर, अच्छे से क्लियर। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब यहां पर ना मैं छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस बता रही हूं इसके ऊपर, जो तुम्हें एनसीईआरटी में ढूंढनी पड़ेगी, तो एक छोटी सी कॉपी बना लो पतली सी, जिसमें ऑब्जर्वेशंस तुमको लिखनी है कि इस एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हुई है ना, कैथोड के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसे कैथोड रेज भी बोलते हैं, ठीक है? और उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारी कैथोड रेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस बताने वाली हूँ जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से देखने को मिली।
तो नंबर वन ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, अगर मैं कैथोड रेस के नेचर की बात करूं तो क्या है, इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, है ना, तो कैसी होगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट्स बना लो, नेगेटिवली चार्ज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूसरी यहां पर ना ये और हमें पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन है बहुत तगड़ी, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जो भी कैथोड रेज निकल रही है टेढ़ी मेढ़ी नहीं निकल रही है, सीधी निकलती है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसका रीजन अगर तुमसे पूछ लिया जाए क्यों हमने क्या करके देखा, बोलेंगे हमने ना बीच में ये करके दिखाया जे जे थॉमसन ने कि स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल कर रही है, मैंने ना जिस पाथ में हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उस पाथ में मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, है ना, तो जब वो रख दिया तो वो उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे आकर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की रेस कैथोड की रेस टकरा रही है, अब वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो पीछे ना शेडो बनने लग जाती है उस ओपेक ऑब्जेक्ट की, रास्ते के बीच में जो हमने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा ना इस ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो इससे पता लगता है कि वो कहीं इधर उधर नहीं जा रही है, वो सीधा ही जा रही है, और सीधे रास्ते में जब मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो इलेक्ट्रॉन्स की रेस से, कैथोड की रेस से पीछे शेडो बनने लग जाती है। दिस प्रूव्स दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इतनी बात पल्ले पड़ी सभी को, उल्टो फुलटो बहुत अच्छे से बेटा, बढ़िया तरीके से। चलो मेरे बालक फिर अगला पॉइंट निचोड़ते हैं। तो अगला पॉइंट ये है, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने तगड़ी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करी है, मतलब इनके अंदर वेलोसिटी में वेरिएशन है, वेलोसिटी में चेंज है। अब कैसे करके देखा मैडम कि काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रही है, मतलब इनकी मूवमेंट है, मतलब इनकी वेलोसिटी है। तो हमने क्या किया, जो गाड़ी के टॉयज के छोटे छोटे पहिए नहीं होते, उन पहियों को रास्ते में बिठा दिया, ठीक है, उन पहियों को रास्ते में जब बिठाया ना तो जैसे ये तेजी से यहां से इलेक्ट्रॉन रेज कैथोड की रेज आ रही है, पहिया रास्ते में पड़ा हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन की रेस उसको लेकर ऐसे घुमाती 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 चलेगी। तो एक तरीके से पता लगा कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस कर रही है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसकी रीजनिंग एनसीईआरटी में बेटा नहीं मिलेगी, तो ये पॉइंट्स नोट करते चलना। और दूसरी चीज, कैथोड रेज है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर Made up of small particles से मिलकर बनी हुई है। वो particles कुछ भी हो सकते हैं, जैसे cathode rays में हमने जाना कि वो anode की तरफ attract हो रही है, मतलब कोई negatively charged particle से मिलकर बनी है, और छोटे छोटे particle है, ये नहीं सिर्फ एक negatively charged particle निकल के cathode से आया एनोड पे चिपक गया, छोटे 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 आकर चिपक रहे हैं, बार बार फ्लोरोसेंट कोटिंग पे आके टकरा रहे हैं, इससे पता लग रहा है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया मैडम, ये भी बात क्लियर हो गई। अब बेटा अगली बात आपको फिफ्थ पॉइंट से क्लियर करवाते हैं कि एक चीज हमने नोटिस करी कि कैथोड को जब हाई वोल्टेज दी, कैथोड के ऊपर हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो जब इसको हाई वोल्टेज जी, इसने इलेक्ट्रॉन एकदम से लूज करे और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कहां हो रहे हैं, एनोड की तरफ, कहां अट्रैक्ट हो रहे हैं, एनोड की तरफ, एनोड कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। इससे पता लगा कि जो पार्टिकल्स कैथोड के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से निकल रहे हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो यहां से एक पॉइंट आता है बेटा बहुत ही प्यारा कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में रख दो, तो ये पॉजिटिव प्लेट एनोड की तरफ यहां पर अट्रैक्ट होने लगती है। इतनी बात पल्ले पड़ी सभी को, फुल टू बेटा मक्खन की तरह, चलो भैया बहुत बढ़िया। अब यहां पर आप छठा पॉइंट बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट,
यहां पर इन्होंने देखा कि जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर एक मैग्नेट रखकर उसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ये रेज रखें, तो यहां पर दे आर डिफ्लेक्टेड टू इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, इनको मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दो तब भी ये हमारी क्या हो रही है, ये रेज कैथोड की रेज मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसका प्रूफ कैसे दोगे, प्रूफ कैसे दोगे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के लिए ना पार्टिकल्स को चार्ज होना जरूरी है और ये चार्ज है। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ये प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स क्या है, चार्ज है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, स्टेट द ऑब्जर्वेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। वी विल से कि इफ द पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैसे हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। क्लियर? अच्छे से, बहुत अच्छे से जी, बिल्कुल हरियाणवी जी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब यहां पर ना एक छोटा सा पॉइंट लिखो जिसके आगे हम बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसे अलग रंग से लिख रही हूं। दे प्रोड्यूस एक्सरेज, ये एक्सरेज भी प्रोड्यूस करती है। तो हर एक पॉइंट का रीजन बता दिया है इसको छोड़कर, अभी इसको नोट करो, ये आगे हम पढ़ेंगे कि एक्सरेज को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए और कैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि यही एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के, जो कि बच्चा पार्टी आपको नोट करने हैं। क्लियर हो गया सभी को? फुल टू, फुल टू। अब देखो, मैंने ना एक चीज करके देखी, मैंने नहीं भैया, मैंने भैया पढ़ा कि जे जे थॉम्सन ने एक चीज करके देखी। उसने क्या किया कि यहां पर बोला कि अगर तुम प्रॉपर्टीज निकालना चाहते हो ना, देखो जैसे लिखा हुआ है कि कैथोड रेस, एक बार रीड कर लेते फटाफट एनसीईआरटी के 5 पॉइंट्स। कैथोड रेस स्टार्ट हो रही है फ्रॉम कैथोड और मूव कर रही है टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। दीज रेस देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, ये खुद विजिबल नहीं होती है। Their behavior can be observed with the help of certain kind of material. इनका behavior कि ये produce हो भी रही है कि नहीं हो रही है, अब हाथ डाल के तो देखेंगे ना discharge tube में, है ना? तो यहाँ पर किस तरीके से हमें पता लगेगा कि ये produce हो रही है, तो हम certain kind के material use करते हैं, जैसे fluorescent and phosphorescent, ठीक है, जो कि जब इनके ऊपर कुछ hit करता है ना, ये ग्लो करते हैं। तो हम जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस पे हिट करेंगे, ये ग्लो करेंगे, जैसे टेलीविजन की पिक्चर पे देखा होगा, ठीक है, टेलीविजन की पिक्चर पे जो ट्यूब्स है ना, वो ऐसे कीड़े कीड़े से आते हैं ना, कड़ 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 ऐसे घूमते रहते हैं, काले व्हाइट, है ना, और अब तो रंगीन भी आने लग गए हैं। तो वो कीड़े हमारे कैथोड रे ट्यूब्स में आते हैं, ठीक है, और जो टेलीविजन की पिक्चर्स आ रही है ना, वो इसका रिजल्ट है। वो रिजल्ट है कि जब हम फ्लोरोसेंस के ऊपर उस रेस को भेज देते ना टेलीविजन के अंदर, तब तुम्हें उसकी पिक्चर की क्वालिटी बढ़िया आने लग जाती है, यानी तुम्हें सब कुछ साफ साफ सटीक सा दिखने लगता है। तो ये चीजें हैं हमारी, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। यहां पर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, हाँ अंशिका ने बिल्कुल सही बोला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए एक्सरे प्रोड्यूस होता है। बेसिकली क्या है कि जो हमारा जे जे थॉम्सन है ना, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है, ये इस डिस्कवरी से पहले ना, जब तक डाल्टन ने ये नहीं बोला था कि फंडामेंटल पार्टिकल हमारा एटम है, तब तक जे जे थॉम्सन बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत ही अमीर आदमी है। और इस अमीर आदमी ने यहाँ पर जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, उनके ऊपर काम करता था ये, ठीक है। पर जैसे ही से पता लगा कि मार्केट में एक नई खोज आने वाली है, तो ये अपनी टीम के साथ जुट गया और इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दिखाई और यहां से अपने एक्सपेरिमेंट से भी लिंक किया कि हम एक्सरेज भी प्रोड्यूस ये कर सकता है ना। और यहां पर हम पढ़ रहे थे क्या क्या रिजल्ट आए हैं, तो हमने देख लिया कि कैसे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वो जो दाने दाने छोटे छोटे आते हैं, उसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन मटेरियल पे जब पोस्ट किया जाता है ना, तब जाकर वो स्क्रीन तुम्हें विजिबल होती है, वो करेक्टर्स तुम्हें दिखने लगते हैं, ठीक है।
और अगर मैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ये देखूं तो दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने देखा था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रही हूं, तो हमने थर्ड पॉइंट, मैंने तुम्हें कौन सा पॉइंट था भैया, सेकंड पॉइंट कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं करना है, ये सिंपल बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट रख देना है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आसपास लाइट नहीं जा सकती। तो यहां पर वो ऑब्जेक्ट रखने पर जब पार्टिकल्स आके इस पे भिड़ेंगे ना, तो पीछे शेडो बनेगी, इससे पता लगेगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आई थी। दूसरी, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बोला है अगर हम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहे ना, तो बिहेवियर जो है कैथोड रेज का वो सिमिलर होता है टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब कैथोड रेस से क्या निकल रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखूं तो कैथोड रेस का बिहेवियर जस्ट सिमिलर है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, क्योंकि बेसिकली हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ही कैथोड रेस कह रहे हैं, है ना। अब बेटा यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कैथोड रेस सजेस्टिंग दैट इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसने नाम दिया कि वो बंदे इसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो है इलेक्ट्रॉन। इसने कहा और भी चीजें हैं, पर अभी मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा हूं। और ये बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से इस पॉइंट को नोट करो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस का करेक्टरिस्टिक्स और नेचर यहां पर डिपेंड नहीं करता है कि किस तरह का मटेरियल लिया गया है इलेक्ट्रोड्स में और किस तरह की गैस अंदर बैठी हुई है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब अगर तुम इस डब्बे के अंदर हीलियम की गैस ले लो, हाइड्रोजन की गैस ले लो, जिस मर्जी की गैस ले लो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली कैथोड रेस, ओनली एंड ओनली कैथोड रेस उसके मटेरियल पे, उसके नेचर पे, गैस के जो अंदर हम पुट कर रहे हैं लो प्रेशर पर, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर, फुल टू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका जो कंक्लूजन आया। ठीक है, अब जे जे थॉम्सन ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसने बताया कि भैया यहां पर ना तुम चार्ज टू मास रेशियो भी निकाल सकते हो। तो फटाफट से हेडिंग लगा लो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लगा लो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब मैं तुम्हें बताती हूं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जे जे थॉम्सन ने क्या बताया। देखो जे जे थॉम्सन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी ना, इसने देखा कि चार्ज यानी हमारा ई और मास यानी एम, तो इनका रेशियो जो है ना, कितना चार्ज मैं पास कर रहा हूं, कितना मास वो कंटेन कर रहा है, इसका रेशियो एक्सपेरिमेंटली 1.75 × 10^11 कूलम पर केजी आया है। ये इसने डिपिक्ट करके बताया। इसने बोला कि भैया अब जब मैंने इतनी इंपॉर्टेंट सूचना तुमको दे दी है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो निकालूं तो मेरे पास ये आ रहा है। और फिर आए भैया एक और इनकी टीम के मेंबर, कौन, मिल्की मिली कियन, अरे मिल्की मैन नहीं, मिली कियन, मिली कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। क्या किया, मिली कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। और इन्होंने कहा कि भैया अच्छा जी जी थॉम्सन जी, आप मुझे मास चार्ज और मास का रेशियो बता रहे हैं, है? तो यहां पर सुनो, मेरे पास ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, मैंने भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलिकियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकला, जो कि है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब इसको और रिफाइनली बोला गया है 1.602, और इसको अभी अभी के टाइम पर ये इतना ज्यादा एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स पड़ी है ना, उतना ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं, है ना, मतलब उतनी ज्यादा एक्यूरेसी है इसकी इस यूनिट में। तो यहां पर उसने बोला कि यहां पर ना अगर आप अपने चार्ज और मास रेशो में मेरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दो ना, तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा। उसने कहा ठीक है भैया बता दे। तो निकाला इन दोनों ने मिलकर 9.1 × 10⁻³¹ केजी आया। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर, फुल टू क्लियर बेटा सभी को? जी बिल्कुल, 10⁻³¹ केजी, 10⁻³¹ केजी। क्लियर सभी को? फुल टू बहुत अच्छे से। चार्ज होता है बेटा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ केजी। क्लियर। अब यहां से ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे देखने को मिली जे.जे. थॉमसन और मिलिकियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब बेटा आज ना थोड़ी सी मेरी कल भी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने क्लास नहीं ली, तो आज की क्लास को मैं चाह रही हूँ कि मैं यहीं रोक दूं। तो आपको ना पढ़ के आना है बेटा अगला क्या, मैं लेके तो आई थी पर मेरे से अभी बोला जा नहीं रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन की डिस्कवरी कैसे की गई, किसने करी, है ना। अब यहाँ जे.जे. थॉमसन ने ठहरा नहीं भैया, बंदा ठहरा नहीं, उसने आगे जाकर अपना अलग मॉडल निकाला। अलग मॉडल निकाल कर उसने ये भी बोला कि भैया उसके बाद रदरफोर्ड जे.जे. थॉमसन से भी अमीर, इसने इतने प्यारे तरीके से इतना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और जे.जे. थॉमसन की ना पहली अप्रोच के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उसके बाद कुछ कुछ कमियां, बहुत कमियां थी वैसे तो, जो कि रदरफोर्ड ने पूरी करी। और फिर भैया वो साइंटिस्ट आते हैं इनके बाद जिसमें रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट में कमियां निकाली, और वो साइंटिस्ट जिन्होंने आइंस्टाइन की खोज को चैलेंज किया था। नाम बता सकते हो? उन्होंने आइंस्टाइन की खोज को चैलेंज किया था, वो साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन और रदरफोर्ड के बाद आते हैं। इन तीनों साइंटिस्ट की बात मैं कल करने वाली हूं। बहुत बढ़िया अंशिका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नील बोहर बहुत अच्छे। तो नील बोहर जी बहुत ही गजब के प्राणी थी, जिनका दिमाग बहुत तेजी से चलता था। तो इनके दिमाग के बारे में भी बात करेंगे, तीनों साइंटिस्ट ने किस तरीके से अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में महारत हासिल करी और बोला भैया ये प्रूफ है। मतलब स्टार्टिंग करना भी, किसी को जीरो से भी स्टार्ट करने के लिए ना, यहाँ पर जे.जे. थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था पता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने पर इतनी सारी डिस्कवरी हो गई, एक साइंटिस्ट के दिमाग लगाने पर इतनी सारी डिस्कवरी हुई। और क्या सीखने को मिला कि अगर एक बंदा आगे बढ़ना होता है ना, तो दूसरे बंदे को बड़ी चुलमस्ती है, और वो यहाँ पर ना कंपटीशन स्पिरिट लगाते हुए उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, दूसरे वाला उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, और यहीं से खोज निकलती है, यहीं से हमारी आविष्कार होता है। और आविष्कार होने के लिए अगर अकेले लगे रहेंगे ना, कोई आविष्कार नहीं होगा। जब तक हमारे आसपास कोई भागेगा नहीं ना रेस में, तब तक हमें अपनी स्टैमिना, अपनी स्पीड और अपने कैलिबर पे यकीन नहीं होगा। तो यही इन तीनों साइंटिस्ट के बीच में जंग हुई थी, जिसमें तीनों ने बहुत ही तगड़े तरीके से अपने आप को प्रूव किया, जिसके बारे में बेटा हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप चाहते हो कि आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाए, तो परफेक्ट श्योर नीट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बता दूं कि अन अकेडमीज ने बहुत सारे
यहाँ पर टोटल 1000+ अनअकैडमियन ने नीट यूजी कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया है और बहुत ही रंग बिरंगे मार्क्स के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने नीट यूजी के सपने को साकार करें और अपने आप को स्कॉलरशिप जीतने का मौका दें, ताकि आप बढ़िया बड़े अच्छे अच्छे टॉप एजुकेटर्स है यहाँ पर उनके कोर्सेज में पढ़ पाए। तो 14 नवंबर से बेटा 2 बजे आपका यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और प्राइजेस जीत सकते हैं। नवजोत 10 कूपन कोड से आप फ्री एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अलग अलग आपको स्कॉलरशिप स्लैब्स मिलेंगे, परसेंटेज के बेसिस में 100% स्कॉलरशिप, 50%, 15% और बहुत सारे अवार्ड्स। और यहाँ पे फ्री एनरोल करने के लिए और टॉप 100 से अपने मेंटरशिप पाने के लिए आप अलग अलग बैचेस में 10 एनरोल कर पाएंगे, जिसमें आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपके लाइफ डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आप यहाँ पर अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑडियो कॉल, एंड वहाँ पे अपने सेशन टाइप, सब्जेक्ट, टाइम स्लॉट पिक कर अपने मेंटर से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और इवन आपके अनअकैडमी की ब्रांडेड नोट्स बेटा आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं, जो कि टॉप रैंकर्स और टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्वालिफाई और रिव्यूड है और क्यूरेटेड है, और ये आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। तो आइकॉनिक के प्राइजेस आपकी स्क्रीन पे हैं। 12, 18, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, पर मंथ की कॉस्ट आपको दे रखी है। नवजोत 10 कूपन कोड लगाकर आप 10% का पा सकते हैं डिस्काउंट, और इसी में अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जहां पर आप 12, 18, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, तो नवजोत 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लाइव आप टॉप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर पाएंगे और लाइव टेस्ट और क्विजेस से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे, और प्रॉपर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस आपको विद टोटल रिविजन कवर कराया जाएगा। तो आप भी इन स्कॉलरशिप टेस्ट में जो होने वाले हैं, उनमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया फुल सिलेबस कवर करके यहाँ पे स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो आपके लिए अलग अलग बैच तैयार हैं, जैसे नीट ड्रीम टीम 2.0, जुवेनाइल बैच, पिनाकल बैच और नीट यूजी कॉम्बैक्ट में बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर 4 करोड़ वर्ड तक की स्कॉलरशिप हर संडे 11 बजे आपको मिलती है। 45 मिनट्स का टेस्ट होता है, 28 क्वेश्चन आते हैं, तो सभी बच्चे मिलकर यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबका अलग अलग क्लास का टेस्ट होगा, फ्री लाइव टेस्ट होगा हमारे एंड्रॉइड पर। आप यहां पे एनरोल करने के लिए नवजोत 10 कूपन कोड का बेटा कर सकते हैं इस्तेमाल, और हर संडे सुबह 11 बजे का टाइम कर लो बेटा नोट, ठीक है। और आपके लिए यूनिक अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट भी आया है, जहां पर टॉपिक वाइज आपको डीपीपीज मिलती है डेली आपका टारगेट अचीव करने के लिए नीट यूजी 2022 और 2023 के लिए। मंडे टू थर्सडे आपको डेली डीपीपीज मिलेगी, एनरोल बिल्कुल फ्री आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 8 नवंबर से शुरू हो चुका है, यानी आज से। तो आप चाहते हो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़िया आपको मिले, तो आप इस कॉन्टेस्ट में भी पार्ट ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है। नवजोत 10 कूपन कोड से आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं फ्री। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आपको कहानियां इंटरेस्टिंग लगी हो, और इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए मिलेंगे आपको कल। तो थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।